किशोरी बालिकाओं व गर्भवती महिलाओं के पोषण पर यदि ध्यान दिया जाए तो आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेगी। पोषण आहार केवल महंगे पदार्थों में नहीं पाए जाते बल्कि दिन प्रतिदिन खाए जाने वाली सस्ती सब्जियों व फलों में भी पाए जाते हैं। आवश्यकता केवल पोषण के प्रति जागरूकता की है। इस कार्य को मीडिया प्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बात जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला व बाल विकास विभाग श्रीमती अंशु बाला मसी ने शनिवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में पोषण माह के दौरान आयोजित जिला स्तरीय मीडिया कार्यशाला में संबोधित करते हुए कही। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री मसी ने कहा कि पोषण के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर साल सितंबर माह को पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान पोषण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बच्चे जो हमारे आंगनवाड़ी में हैं, जो 1,18,000 बच्चे हमारे सर्वे के मुताबिक हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, उसमें 1,17,000 बच्चों को हमने सर्वे किया है, जिसमें लगभग 22,000 बच्चे जो है जो मध्यम कम वजन के हैं और 27-76 बच्चे ऐसे हैं जो कि अति गंभीर कुपोषित हैं, अति कम वजन के बच्चे हैं। तो हमारे टारगेट पर मध्यम कम वजन के बच्चे रहते हैं। हम ये ध्यान रखते हैं या हम वो सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं ताकि इनका ग्रेड अति कम में ना चला जाए। तो हमारे गर्भवती महिलाएं जिनका कि ब्लड टेस्ट करवाना, जो कि गर्भवती है लेकिन एनीमिक देखने में ही जो दुबली लगती है, जो कुपोषित टाइप की लगती है, जो बहुत ज़्यादा वीक लगती है, तो ऐसी गर्भवती महिलाओं का हेल्थ चेकअप करवाना, उनकी 4 AM से जाँच जो होती है वो जाँच करवाना और उन गर्भवती महिलाओं को किन सुविधाओं की प्रोवाइड को कौन सी सुविधा हम प्रोवाइड करवा सकते हैं और किन पोषक तत्व की कमी उनके शरीर में, जैसे कि उनका HB हीमोग्लोबिन कम है या वो कमजोर है, तो ऐसा हेल्थ चेकअप करके हम इनको पता लगा सकते हैं। तो वो गर्भवती महिला हमारे टारगेट पर रहती है। लक्ष्य हमारा रहता है कि उनको हम पौष्टिक आहारों की जानकारी दें और उनको सुपोषित करें ताकि उनसे होने वाला बच्चा भी सुपोषित।